नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। स्पेशल एडिशन में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की जिस पर बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि चीन भारतीय जमीन पर ना घुसा है ना घुसा था। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद सियासत गर्म है। अब सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि जब चीन हमारी सीमा में घुसा ही नहीं तो सेना अलर्ट क्यों है? जब हमारी सीमा में चीन ने कब्जा ही नहीं किया तो हमारे सैनिक कैसे शहीद हुए? 20 सैनिकों ने आखिर किस क्षेत्र में अपना बलिदान दिया? आखिर सीमा विवाद का सच क्या है? ये समझने की आज हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। भारत चीन के बीच तनातनी है, सीमा पर सैनिक तैनात हैं, देश में उबाल है, जनता शहीदों के बलिदान का बदला लेने के लिए कह रही है, देश में चीनी सामान का विरोध हो रहा है, लेकिन सियासी पार्टियां सियासत करने में जुटी हुई हैं, सरकार की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि चीन हमारी सीमा में घुसा ही नहीं। अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा किया या नहीं। सवाल उठ रहे हैं कि जब चीन भारतीय सीमा में घुसा ही नहीं तो लड़ाई कहाँ हुई थी? चीन ने कहा कि हमारे सैनिकों के साथ बर्बरता की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में दावा किया था कि हमारी जमीन में कोई घुसा है और ना कोई घुसेगा, न वहां कोई हमारी सीमा में घुसाया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें वो सबक सिखा कर गए। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर राहुल गांधी ने सवाल किया है और पूछा है कि अगर वो जमीन चीन की थी जहां भारतीय जवान शहीद हुए थे तो हमारे सैनिकों को क्यों मारा गया, उन्हें कहां मारा गया? Whatever the case may be, at the moment this is present position and absolutely right, the Chinese are on their side, talks going on and none of our posts and nothing is available, nothing is in Chinese hand and whatever it is, the clash is over, our soldiers are martyred and Chinese lost a large number of soldiers on their side. So after that, the whether forthcoming negotiations now will bring out the results of the talks and we hope that peace will prevail. But however, the armed forces are totally ready in case the eventuality arises, in case the circumstances demand, armed forces will. PM ke bayan par bawal badhta dekh, PM ne safai di hai. PM ne kaha hai ki pradhanmantri ke bayan ko tod marod kar pesh kiya ja raha hai. PM ne kaha ki pradhanmantri ne saaf kar diya hai ki line of actual control par hamari taraf structure khada karne ki chini koshishon ko 16 bihar regiment ke jawanon ne bahadri dikhate hue nakam kar di. Modi ne kaha ki hamare jawanon ki bahadri ke chalte हमारी सीमा में चीन की कोई मौजूदगी नहीं है। पीएम ने साफ कहा था कि हम अपनी जमीन पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। चीनी सेना के खूनी संघर्ष के दौरान लद्दाख के गलवान में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। इस खबर से पूरे देश में गुस्सा है और विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगी हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि चीन हमारे क्षेत्र में घुस आया है। पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि चीन कभी हमारे क्षेत्र में नहीं आया। अब सवाल है, जब चीन हमारे सीमा में नहीं घुसा तो हमारे जवान शहीद क्यों हुए? हमारे जवान किस क्षेत्र में शहीद हुए हैं? जब चीन घुसा ही नहीं तो तनातनी क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट।
तो प्रधानमंत्री का ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है, इस पर अब राजनीति भी हो रही है। आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बात की कि जिस तरह से चीन हमारी सीमा में ना घुसा है ना घुसा था, और ऐसे में सवाल इस पर उठ रहे हैं कि आखिर जब ऐसा हुआ ही नहीं तो 20 जवान आखिर कैसे शहीद हो गए। साथ ही राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। तो आज हम दरअसल बात करेंगे कि आखिर क्या इस मुद्दे पर सियासत होनी चाहिए। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर मनोज राजौरिया जी हमारे साथ हैं, सांसद हैं बीजेपी के। मनोज जी बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर दीपक वोहरा जी हमारे साथ हैं जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं, सर बहुत स्वागत है आपका भी। साथ ही हमारे साथ अजय कौल जी जुड़ गए हैं, एडिटर हैं एपीएन के। अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है उसके मद्देनजर बयानबाजी का दौर अजय जी लगातार जारी है। हाँ जी, ये प्रधानमंत्री जी ने जो कल बताया है ना कि ना कोई गुस्सा है और ना कि कोई पोस्ट वहाँ पे कैप्चर हुआ है, तो उसी से बवाल हुआ है ये। तो मैं डॉक्टर वोहरा से मैं पहले स्टार्ट कर दूं कि क्या आप कैसे देखते हैं ये स्टेटमेंट जो पीएम साहब ने कल बोला? पीएम साहब की स्टेटमेंट बहुत स्पष्ट है कि हमारी कोई पोस्ट कैप्चर नहीं है। जो संघर्ष हुआ है 2 इंच इस तरफ या 2 इंच इस तरफ, उसमें दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। सीमा पे आप कभी जाएं, मैं तो कई बार गया हूं, तो मेरा इलाका है, वो जरूरी नहीं है। जरूरी बात यह है कि हमने उनको अपनी टेरिटरी से बाहर निकाल दिया है। कोई परमानेंट ऑक्यूपेशन हमारी टेरिटरी की नहीं है। और तीसरी चीज जो ये है कि अब शांति के लिए बातचीत चल रही है मिलिट्री और डिप्लोमेटिक तरफ से। अब ये नुक्ताचीनी करना कि ये इधर हो गया, ये थोड़ा उधर हो गया, उन्होंने ये क्यों कहा, उन्होंने ये क्यों कहा, यू नो दिस इज द प्राइस बीजेपी के जो आपके लीडर साहब यहाँ बैठे हैं उनको मैं कहना, दिस इज द प्राइस वी पे फॉर बीइंग एन ओपन डेमोक्रेसी। चाइनीज मीडिया, चाइनीज पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं होगा। We also must have a not just whole of government approach, लेकिन हमारा होना चाहिए whole of country approach. जब किसी ने हम पे हमला किया, उसको मार के हमने भगाया है, what's the point of discussing कि हमारी टेरिटरी में उसकी टेरिटरी में आपके 20 मरे, उसके कितने मरे? आप क्यों नहीं विश्वास करते ऑन योर प्राइम मिनिस्टर? वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड प्रधानमंत्री है देश के, क्यों नहीं विश्वास करते अपनी सेना पर जो आपकी सुरक्षा करती है? जब वो कह रहे हैं अब कोई नहीं है, हमने निकाल दिया। इट्स वेरी सिंपल, आई डोंट नो व्हाट द कंफ्यूजन इज। ओके, नाउ कैन आई कम इन? गो अहेड, यस इट्स अप टू यू। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना इज नॉट अ गुड एग्जांपल टू फॉलो बिकॉज दे हैव नॉट इवन ओन्ड अप कि कितने उनके फौजी मारे गए। सो वी आर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, लेट अस बी ए डेमोक्रेटिक एंड आस्क क्वेश्चन डेमोक्रेटिकली, सो लेट आवर सिस्टम प्रिवेल आई गेस। तो अभी जो आप कह रहे हैं कि जो पीएम साहब ने बोला है कि वी शुड ट्रस्ट पीएम, ऑफकोर्स वी आर ट्रस्टिंग पीएम, बट अकॉर्डिंग टू पीएम जो इंटरप्रिटेशन है दैट नोबडी केम इन। जब आप सवाल ये है कि इफ देर वॉज नो ट्रांसग्रेशन देन वट वेर द इंडियन फोर्सेज फाइटिंग फॉर, एंड अगर वो हमारी तरफ जंग नहीं थी या लड़ाई नहीं थी, सो डिड इंडियन फोर्सेज गो अक्रॉस सो वेर द इंडियन फोर्सेज ट्रांसग्रेसर्स लाइक चाइना इज नाउ सेइंग? ये सवाल है। मैं आपको बता दूं, अगर कभी आप उस इलाके में जाए, मैं तो विशेष सलाहकार हूँ वहां पर, सो आई नो दैट एरिया दैट गुड। वो लकीर नहीं हमने खींची हुई है पेंसिल के साथ कि ये तेरा एरिया है ये मेरा है, दीज आर अनडिफाइंड एरिया। दैट आई नो, दैट आई नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द पोस्ट हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। मैं यही तो बता रहा हूँ सर कि देर इज अ पोस्ट हियर, देर इज अ पोस्ट हियर, एंड देन यू अज्यूम द लाइन बिटवीन द टू पोस्ट मार्क्स द बॉर्डर। अब जहां पर हुआ है देर हैज बीन फॉर इयर्स देर हैज बीन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, बट वी आर नाउ वेरी क्लियर कि ये हमारी तरफ में जितने भी यहाँ बॉर्डर पे या ऑन दैट लाइन, दैट सो कॉल्ड इमेजिनरी लाइन, इक्वेटर भी तो एक इमेजिनरी लाइन है, देयर हैज बीन सम कॉन्फ्लिक्ट ओवर दैट एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच द चाइनीज हैव बीन थ्रोन बैक। आई थिंक व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट द क्लैश अकर्ड। एक अंग्रेजी में कहावत है शुक्ला साहब, इट टेक्स टू टू टैंगो, एक अकेला कुछ नहीं करता है। सो देयर हैज बीन सम प्रोवोकेशन फ्रॉम देयर साइड लुकिंग एट देयर रिकॉर्ड। हमारा रिकॉर्ड तो हमेशा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का रहा है। देयरफॉर द ओनर्स द बर्डन ऑफ बिलीफ इज ऑन आवर साइड, व्हेयर द बर्डन ऑफ डिसबिलीफ इज ऑन द चाइनीज साइड। दुनिया में अब उनको कोई नहीं देता। सो वेदर वी वेंट इन और व्हाई डिड वी लूज सो मेनी पीपल, वी हैड टू। व्हेन एन अटेम्प्ट वाज मेड टू हर्ट अस, वी हिट बैक। व्हेदर इट वाज 2 इंचेस दिस साइड और 2 इंचेस दैट साइड इज नॉट मटेरियल। So what according to you is the cause of this latest confrontation face off?
which is very, very clear puri duniya mein. This is China's system of creeping acquisition. जिसे आप लोग अंग्रेजी में सलामी स्लाइसिंग कहते हैं, क्रीपिंग एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी. हमारे साथ किया है, वियतनाम के साथ किया है, दे ट्राई टू डू इट इन द साउथ चाइना सी, सबके साथ ये हो रहा है. अभी हाल ही में यू नो अगेन वेदर यू ट्रस्ट द अमेरिकन या नॉट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोम्पियो ने अभी अभी कहा है दैट चाइनाज बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल. जो वो साउथ चाइना सी में करें, जो वो भारत के साथ करें, इट्स टोटली नॉट एक्सेप्टेबल. सो इट्स वेरी वेरी क्लियर दैट इट्स अटेम्प्ट टू असर्ट सुपीरियोरिटी. तभी तो वो आपको बता नहीं रहे कितने लोग उनके मारे गए. अगर आप स्वीकार करोगे 40, 50, 100 जितने उनके मारे गए, तो आपने जो अपनी हवा बना रखा है कि हमें कोई हरा नहीं सकता, वो हवा एकदम गायब हो जाता है. सर प्लीज ट्रस्ट योर लीडरशिप, प्लीज ट्रस्ट योर मिलिट्री एंड अबव ऑल डिसाइसिव लीडरशिप टोन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. प्लीज प्लीज एक्सेप्ट व्हाट ही सेड. चलिए सर रजौरिया जी से पूछ लेते हैं. जी राजौरिया जी, सवाल इस बात को लेकर है जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है. प्रधानमंत्री का ये बयान कि चीन हमारी सीमा में न घुसा था न घुसा है, सर ये इस पर आप बयानबाजी लगातार जारी है, इस पर राजनीति हो रही है, इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक में अपनी बात रखी. उससे पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी कह रहे थे कि देश को जवाब देना चाहिए. उनको इतना सा भी धैर्य नहीं है कि देश कितने बड़े एक साजिश का शिकार होने की तरफ जा रहा है. और उस वक्त देश के साथ उनको कदम से कदम मिलाकर रखना चाहिए था. उसके बावजूद वो उल्टे सीधे सवाल कर हमारे देश की सेनाओं का, देश की आम जनता का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं. साथ में ही जो हमारे चाइना जो पड़ोसी देश है और अन्य जो देश जो कहीं ना कहीं भारत की उन्नति से, भारत की समृद्धि से और भारत के स्वाभिमान से कहीं ना कहीं ईर्ष्या रखते हैं, उन देशों को एक मौका दे रहे हैं कि इतना बड़ा राष्ट्रीय दल जिसने कभी इस देश पर राज किया था, आज उसके नेता किस बचकानी हरकत करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका हौसला. ठीक है, राहुल गांधी तो सर बचकानी हरकत कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस बात को कहते हैं कि चीन तो हमारी सीमा में नहीं घुसा था और ना ही कोई चेक जो पोस्ट है वो चीन के पास है, तो सवाल सर इस बात को लेकर है कि 20 जवान शहीद कैसे हो गए? प्रधानमंत्री जी की बात को, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को आप सकारात्मक पक्ष में लीजिए कि देश आजाद हुआ उसके बाद में 4052 किलोमीटर की जो हमारी सीमाएं हैं वो जो मैकमोन लाइन से ही हम LOC का हम अपने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानते हैं, और जिस तरीके की वहां की सीमाओं में कोई डिमार्केशन आज तक नहीं था और प्रधानमंत्री जी वहां से सड़क बनाने का काम कर रहे हैं. और ये जो बयान प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि हमारी एक इंच भी जमीन किसी को नहीं कब्जा करने दी जाएगी, ये बिल्कुल सही बयान है. क्योंकि जब जो प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो सवाल राहुल गांधी जी पी चिदम्बरम जी उठा रहे हैं कि जब सेनाएं घुसी नहीं तो आपने हमला कहां किया, ऐसे बचकाना सवाल ही उन्होंने जब पाकिस्तान की ने जब यहाँ पे आतंकवादियों से हमला करवाया था तब भी किया था. ऐसी नादानी चीजें हैं कि अब हम ये बोलें कि हमारे सैनिकों की जो ऐसे क्षेत्र में लड़ाई थी, यानी कि इससे पहले जो बयानबाजी हुई है हम ये माने कि वो सही नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से मीटिंग सुन लीजिए सर, एक तरफ मीटिंग का दौर जारी, एक तरफ मीटिंग का दौर जारी. सही सही और गलत की बात नहीं है, बात ये कि गलवान घाटी जिसपे हम दावा करते हैं कि वो भारत का क्षेत्र है, और 1962 के युद्ध में जब बात हुई थी जिसको हम अक्साई चीन के नाम से भारत को जाना जाता है, मैं तो कहूंगा कि इसको अक्साई चीन भी नहीं बोलना चाहिए, ये चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख का क्षेत्र है, इसको COD बोलना चाहिए कि चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख का क्षेत्र है. उस पर जब चाइना ने आक्रमण किया था 1962 में, उसके बाद में ये घटना हुई कि जो गलवान घाटी है वहां पेट्रोलिंग यहां हमारे चाइना के द्वारा भी की जाती है और भारत की सेनाओं के द्वारा भी की जाती है, सिर्फ पेट्रोलिंग की जाती है और दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है. और हम हमारा दावा मजबूत रखते हैं कि देश आजाद हुआ था और ब्रिटिश सरकार ने जब भारत को जो देश हमारे को सौंपा था, जो हमारी सीमाएं हमको सौंपी थी, उसमें गलवान घाटी आती थी और व्यवहारिक रूप से वहां जब कोई सीमाएं नहीं है तो पेट्रोलिंग के माध्यम से अपना अपना दावा सिद्ध किया जाता है. और प्रधानमंत्री जी ने उसी परिप्रेक्ष्य में बात बोली है और मैं नमन करना चाहता हूं हमारे देश के उन वीर सेनानियों को, उन सैनिकों को जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब उस चाइना की उस सेना को दिया है, जो कायरतापूर्ण हमला उन्होंने 15 जून की रात को किया. राजौरिया जी, जी जी कौल साहब, प्रधानमंत्री जी ने जो बोला वो सही है, वो मतलब अपनी जगह सही है, बट उसके बाद चाइना ने यही कहा है कि जो हम कह रहे थे वी आर विंडिकेटेड, कि जो हम कह रहे थे हम उनके एरिया में नहीं घुसे,
भारतीय फौज चाइना में घुसे एंड इंडियन फोर्सेस आर एग्रेसर्स, तो आप उसको क्या देखते हैं? देखिए मैं ये मानते चलता हूँ कि अग्रेसिव जब कोई भी दो देश की जब सेनाएं आमने सामने होती है, झड़प होती है, और उस झड़प में हर देश अपना पक्ष रखता है, इसलिए चाइना की छल और कपट की जो नीति है वो निश्चित रूप से चाइना के सैनिकों ने ही हमारे देश में कहीं ना कहीं जो अग्रेसिवनेस दिखाई थी, और उसके हमारे जवानों ने सुरक्षा की देश को, और उसको तुरंत उस संघर्ष के बाद में चाइना के जवानों को वहां से हटना पड़ा। और जो प्रधानमंत्री जी का बयान था, बयान उन्होंने दिया, वो आज के परिप्रेक्ष्य में दिया, और अग्रेशन की बात है, चाइना ने हमेशा ही कथनी और करनी में फर्क किया है। चाइना का, चाहे आप कोरोना की बात देख लीजिए, उसका इतिहास उठा के देख लीजिए, चाइना ने कहा क्या, करा किया क्या, एक तरफ वो हमारे साथ में बातचीत कर रहा और पीछे से एक साजिश करके एक पे रात के समय हमला करके वो क्या दिखाना चाहता है। और आज भी आप रजौरिया जी, डॉक्टर साहब, हमको वो सब पता है, बट इश्यू ये है कि बैफलिंग क्या है कि पीएम साहब ने ऐसा क्यों बोला कि हमारे यहाँ ट्रांसग्रेशन हुआ ही नहीं, तो इसीलिए चाइना उसको हैंडल को अब यूज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडियन फोर्सेस आर ट्रांसग्रेसर्स, मतलब जो इंडिया ने कभी किया नहीं है, और इस बार हम ही बुरे बन गए, मतलब फोर्सेस, हमारे फोर्सेस। नहीं, साहब आपके पास आएंगे अभी जी, मैं सोचता हूं कि उनके बयान का स्पष्टीकरण पीएमओ ने जारी कर दिया है कि उन्होंने 15 तारीख के संदर्भ में ये बात बोली है। आज दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के नेता, जिस तरीके से उनको चाइना पे हमला करना चाहिए था, जिस तरीके से उनको ये बताना चाहिए था कि क्यों हमारे चाइना के उत्पादों को हमको नहीं प्रयोग करना चाहिए, किस तरीके से हम चाइना के खिलाफ एकजुट लड़के एक साथ होना चाहिए, वो प्रधानमंत्री जी की इस बात को नकारात्मक तरीके से पेश करके जनता के सामने इस देश की क्या छवि बनाना चाहता है, मुझे समझ में नहीं आता। उस बयान के माध्यम से अगर वो बात करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि उनको सकारात्मक उसके बयान की भावना को लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का बयान बिल्कुल स्पष्ट था, सकारात्मक था, 15 जून की रात के संदर्भ में था, और निश्चित रूप से 15 जून की रात को भारत की सेनाएं, जो प्रधानमंत्री जी का बयान है, हमारे विदेश मंत्रालय का बयान है, हमारी सेनाओं का बयान है कि हम वहां से गए, हमने एनक्रोच नहीं किया, हमने अग्रेशन नहीं किया, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना के साथ बात की, उसमें यही बोला गया, उसमें जो रीड आउट हमको जो मिला कि हमारी तरफ जो चाइनीज टेंट वो अपना कुछ पिच करना चाहते थे हमारे साइड में गलवान में, वो स्ट्रक्चर्स कुछ खड़ा करना चाहते थे जिसको इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया, एंड दे वांटेड डिसएंगेजमेंट, ये फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कोई ट्रांसग्रेशन है नहीं, कोई आया नहीं हमारे अंदर, हमारे टेरिटरी में, तो कैसे देखा जाए इसको? देखिए मैं सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के इस बात को हमें सकारात्मक देखना चाहिए कि कुछ आया नहीं, आए तो उन्होंने आए ना, उनकी आदत थी कि पेट्रोलिंग के समय आके और फिर चले जाते, आते और फिर चले जाते। आप ये देखिए वहां हमारी सीमाएं जो है कोई भी ऑब्स्टिकल ऐसे नहीं है, आप इसको उस संदर्भ में समझने का कोशिश कीजिए कौल साहब, कि इसको उस मतलब में डॉक्टर साहब, उन्होंने जो कहा, डॉक्टर साहब मैं पेट्रोलिंग मुझे पता है, आई हैव कवर्ड दिस एरिया दिस सब्जेक्ट फॉर लॉन्ग, मुझे पता है पेट्रोलिंग होती है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट पिच और क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑन इंडियन साइड ऑफ द गलवान वैली, वही जो, बात है। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला दिस इज नॉट सिंपल पेट्रोलिंग, मतलब वो आगे उसको रोका गया, उसको रोका गया, वही कह रहे हैं कि हमारे वही रोक, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं यहाँ पे कोई आया नहीं, फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ वो अपना स्ट्रक्चर बना रहे थे। देखिए देखिए प्रधानमंत्री जी की बातों को हमें घुमा फिरा के उस बयान के गलत तरह, हम नहीं घुमा रहे, हम नहीं घुमा रहे, हम तो समझना चाहते हैं, हम नहीं, नहीं आप सही कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के हमारे नेताओं से हम कहना चाहेंगे कि इस वक्त एक शब्द मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो वेटरन्स है आर्मी के हमारे साथ अभी लेफ्टिनेंट जनरल जुड़ गए हैं, वो बड़े गुस्से हैं कि प्रधानमंत्री जी ने क्यों ऐसा बोला, वो बैफल्ड है। देखिए उनके प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है इस देश की सीमाओं की रक्षा के संदर्भ में बोला है कि हमारी एक इंच भी जमीन किसी को किसी के कब्जे में हम नहीं रहने देंगे, हमारे एक एक इंच की रक्षा करेंगे, और जो बात उन्होंने बोली कि न तो हम गए न वो आए, वो वर्तमान स्थिति में बोली, 15 जून की रात को जो घटना थी वो कहीं ना कहीं अग्रेशन था,
और उसको उसी संदर्भ में देखना चाहिए। इसका पूरा स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री कार्यालय ने दो दिन पहले विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आता है, दो दिन बाद प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आता है, दोनों में विरोधाभास होता है। सूचनाएं मैडम, दोनों में विरोधाभास है ना सर, सवाल इस बात को लेकर है कि क्यों? सूचनाएं मैडम, सूचनाएं जो होती है स्थानीय स्तर से आती है और जो नीचे जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं किसको स्थानीय स्तर से गलत इन्फॉर्मेशन मिली, प्रधानमंत्री को या आपके विदेश मंत्री को? नहीं, गलत आप इसमें बाइफर्केशन नहीं कर सकते मैडम कि कौन गलत है, दोनों ही सही है और मैं सोचता हूँ कि दोनों को ही सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। और हम अगर इन चीजों को गलत और सही अपने ही लोगों को ठहराने में लगेंगे तो चाइना के लोग भी देख रहे हैं कि हम टीवी पे क्या डिबेट कर रहे हैं, आज उनके लोग ये देख रहे होंगे कि भारत में क्या हो रहा है, कौन कौन सी विचारधारा के लोग हैं। आज आप देखिए कि जो हमारे मित्र देश थे उनको भी ऋण के जाल में फंसा के नेपाल जैसे देश को भी उन्होंने किया। हमारा लोकतंत्र है और वहां जो जो वहां की पीएलए जो है और वहां की जो सरकार है, आप ये देखिए कि वहां चूभी नहीं हो सकती, वहां कितने सैनिक मारे गए उनका भी ऑफिशियल उन्होंने बयान नहीं दिया। हमारी इन बातों को वहां रिकॉर्ड किया जाता है, इसकी कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है और कि यहां के कहीं ना कहीं ये चीजें डॉक्टर साहब वही मैं कह रहा हूं जो स्टेटमेंट एट द लेवल ऑफ पीएम जाता है वो ज्यादा रिकॉर्ड होता है हमारे हमारे और आपके जैसे। तो आपको मैं सोचता हूं कि हमें प्रधानमंत्री जी के जो बयान दिया उन्होंने उसको 100% उसको मानना चाहिए और उसको समर्थन करना चाहिए और उससे पूर्व में जो विदेश मंत्रालय ने क्या दिया उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए कि उसमें क्या दिया था और ये विरोधाभासी है और ये सही है या गलत है। जो विदेश मंत्रालय ने बयान दिए उस वक्त की जो उनके पास फीडबैक था। अच्छा चलिए, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राय जी जुड़ गए हैं, पूर्व कोर कमांडर थे J&K में। राय साहब, आपका मैंने कल ट्वीट देखा था कि आप यू आर वेरी पर्टर्ब्ड बाय पीएम स्टेटमेंट, जो आपने बोला था कि आई एम लकी दैट यू आर आई एम स्टिल नॉट वर्किंग, आई मीन आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी एंड मेरे माय सन इज नॉट वर्किंग फॉर द आर्मी। आपने ऐसा क्यों, why are you so agitated? देखिए, सबसे जो बड़ी बात मैं पूरी सर्विस में देखता आया हूँ, जो हमारी LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसकी जो मान्यता है वो दो प्रकार की। एक मान्यता तो ये है जिसको हम मानते हैं कि जो LAC है वो पूरब की तरफ ज्यादा जाती है, जो चाइना की तरफ या कई तरफ हम उसको जाके और वहां तक हम पेट्रोलिंग करने जाते हैं। एक परसेप्शन जो चाइना की जो मान्यता है वो ये है कि ये लाइन जो है पूरब की तरफ नहीं पश्चिम की तरफ ज्यादा जाती है। तो अगर ये दो लाइनें हैं तो हम जो है अपनी मान्यता के हिसाब से आगे तक जाके घूम के आते हैं, डोमिनेट करके आते हैं, और जब चाइना आता है तो वो अपनी तरफ से अपनी मान्यता के हिसाब से सब घूम के चला जाता है। जब प्राइम मिनिस्टर ने कल ये बात करी ऑल पार्टी मीटिंग के बाद, तो मैं इसको सिर्फ गलवान सेक्टर या एक सेक्टर को लेकर नहीं सोचता, हमारी सोच जो है थोड़ी बड़ी स्पेसिफिक लेवल पे करनी पड़ती है, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर कोई बात बोल रहे हैं वो छोटी बात नहीं बोलेंगे, वो पूरी जो चल रहा है स्टैंडअप उसके बारे में। तो जब उन्होंने ये कहा कि हमारी कोई भी पोस्ट उन्होंने नहीं कैप्चर की, हमारी कोई बनकर नहीं कैप्चर की, तो जरूरी बात है कि जो परसीव्ड या जो मान्यता है प्राप्त LAC है उसके ऊपर कोई बंकर या पोस्ट हम कभी बनाते नहीं है, वो तो लाइन पे जो रेखा है वो भी खींची हुई रेखा नहीं है, वो तो एक मान्यता वाली रेखा। और वैसे ही अगर उन्होंने ये कहा कि हमारी तरफ कोई भी चाइनीज ट्रूप नहीं आए हैं भारत की जमीन पे, मुझे ज्यादा जो परेशानी थी इस बात से थी, क्योंकि अगर वो ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि चाहे वो गलवान सेक्टर हो, चाहे वो फिंगर फोर एरिया हो, आपका उत्तरी किनारा जो है पेंडोंग लेक का वो जगह हो, ये दोनों ही जगहों पे अगर वो जहां तक चाइना PLA आ चुका है, अगर वहां तक वो कहते हैं कि भारत की जमीन पे वो नहीं आया है, तो मेरी समझ से जो मेरी मान्यता वाली LAC है वो LAC तो पीछे छोड़ आया वो। तो उस तरह से जहां तक टेक्निकल कहना है उनका टेक्निकल बात है वो सही है, उन्होंने सही स्टेटमेंट दिया है बंकर के बारे में भी और दुश्मन हमारे जमीन से नहीं है, PLA हमारे जमीन से नहीं है उसके बारे में। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि जहां तक वो आ चुका है, अगर वहां तक उसके आने की हम ये मान्यता दे देते हैं ये चीन की अपनी जमीन है, तो जो उसकी मान्यता वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC है, उस LAC की जो मान्यता है वो खत्म हो जाती है। तो हम उनके तो जनरल साहब, तो हम लोग जनरल साहब, डज दैट मीन कि हम मतलब इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज कि हम
उनकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो उनका परसेप्शन है वो मानते हैं। अगर हम उनके वाला दे देते हैं उनको आज, तो वो ऐसा दुश्मन है, वो ऐसा देश है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी का मतलब ये होता है कि जहां तक आप कंट्रोल एक्चुअल कंट्रोल है वहां तक आपका है। आज उसका एक्चुअल कंट्रोल यहाँ गलवान और सिंगर फोर्स तक रुक रहा है, आने वाले समय में इस कंट्रोल को और सरकाएगा, फिर और सरकाएगा। और यहाँ पे बड़ा इश्यू ये है, सिर्फ वीडियो की बात नहीं है दौलत से गोंदी का, यहाँ पे आपका सियाचिन है, यहाँ पे हमारा सब सेक्टर नॉर्थ है, यहाँ पे काराकोरम हाईवे है, यहाँ पर उसकी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। और ये पहली बार हुआ है कि चाइना ने बहुत साफ तौर पर ये दिखा दिया है कि वो और पाकिस्तान भारत के खिलाफ इकट्ठे आएंगे, और इकट्ठे आने का जो मीटिंग प्वाइंट है वो सिर्फ लद्दाख हो सकता है, और जो है चाइना और पाकिस्तान का मीटिंग प्वाइंट कोई हो ही नहीं सकता। तो ये जो बड़ा मैसेज दिया है चीन ने, उस चीज को समझने की जरूरत है। और जो एलएसी है उसका स्टेटस हम ना बदलें, इसके लिए जरूरी है कि जहां तक वो आ गया है वहां तक हम फेस ऑफ करके उसको रोक करके डटे रहें। अगर हम उसको निकालने की क्षमता हमारे पास नहीं है तब भी कम से कम उसको यहां रोक करके हम बता दें उसको, जो तुम्हारी एलएसी जो इसको मानते हो हम इसको नहीं मानते हैं, और तुम जो हो यहां तक आए हो वो भी गलत है, क्योंकि हमारे पास दम नहीं है तुमको पीछे भेजने का, जहां तक तो हम तुमको रोक के रखेंगे और इसके आगे नहीं जाने। अगर आज हम ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में मैं आपको बता सकता हूं यकीनन कि वो जो है और आगे आगे सरकता चला आएगा, क्योंकि उसकी जो बॉर्डर्स को ब्रीचिंग फॉरवर्ड की स्ट्रेटजी है वो हम ऐसा ही देखते आए हैं हमारे साथ भी और बाकी देशों के साथ भी। ये मैं कहना चाहता था, और इसी के चलते मुझे ऐसा लगा कि ये जो बात हम कह रहे हैं, जो मान्यता हम दे रहे हैं एलएसी को, एलएसी के स्टेटस को जो हम चेंज कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अच्छा जनरल साहब, हमारे दर्शकों के लिए, आपने वहां पे काम किया है, योर सर्व्ड देयर, तो हमारे दर्शकों के लिए उसकी सिग्निफिकेंस जरा बताइए, गलवान वैली की क्या सिग्निफिकेंस, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? गलवान वैली का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि गलवान वैली एक गलवान रिवर है जो कि नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन से आकर के कुछ देर तक वो श्योक रिवर के बराबर में चलती है और फिर श्योक रिवर में मिल जाती है, जो कि हॉट स्प्रिंग ऊपर। हमने एक रोड बनाई जो कि दरबुक से लेकर के श्योक रिवर से होते हुए डीबी हो जाती है। इस रोड की लंबाई तकरीबन 250 से 280 किलोमीटर के करीब। अब जहां पे आके वो बैठ गया है वहां से पहली बात तो वो ये कह रहा है कि आप इसके ऊपर आगे रोड को इसको बढ़ाओगे नहीं। रोड का बदलने से ज्यादा बड़ी बात ये होती है कि रोड के ऊपर जो ब्रिजेज होते हैं, अगर ब्रिजेज की क्लासिफिकेशन या ब्रिजेज आप बड़े बनाते हैं तो उसके ऊपर से हम बड़े हैवी वेपन्स ले जा सकते हैं। हम ये एक ऐसा ब्रिज बना रहे थे गलवान दिवस पे, उसको वो ऑब्जेक्ट कर रहा है कि आप इस ब्रिज को मत बनाओ, हालांकि अब बताया जा रहा है कि ये ब्रिज बन चुका है। तो ये जो रोड हमारी डीबीओ को जा रही है वो कहता है कि आप इसको बनाना बंद करो, इसको अपग्रेड करना बंद करो, और अगर हम कर भी देते हैं तो जहां पे आके वो बैठा हुआ है वहां से इस रोड को बिल्कुल डोमिनेट कर पाएगा, और जब मर्जी होगी तो हमारे जो फॉर्मर जाएगा, हमारा जो साधु सामान इधर से जाएगा, उसको रोक सकता है। अब उसके चलते एक इस तरह से बात हो गई कि वो हमारे घर के अंदर झांक रहा है और हम अपने घर में हम कुछ कर नहीं पाएंगे। उसके ऐसा चलते जो डीपीओ है, अगर आपको याद हो 2008 में हमने वहां पे AN-32 एयरक्राफ्ट लैंड किया था जी। और 2013 में हमने टैक्टिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट हरक्यूलिस T-130 लैंड किया था। ये सब हमने क्यों किया था? आज की तारीख में वहां पे कम्युनिस्ट ब्रिगेड है, बहुत बड़ी एक 3 से 4 हजार लोगों की टुकड़ी वहां पे है। हमने ऐसा इसलिए किया था कि वो जो हमारी जगह है डीपीओ, वो सियाचिन से लेकर के काराकोरम हाईवे से लेकर के जेफर प्लेन से लेकर के गलवान वैली से लेकर के पेकोंग के ऊपर ये पूरा एरिया जो है वो इतना से एरियल डोमिनेशन और फिजिकल डोमिनेशन तक कर सके। तो ये जो चीन आकर के एक तरह से हमारी गर्दन पर बैठ गया है और हमें कुछ करने नहीं देगा, अगर हम रोड को बना भी लेंगे तो वहां से साजो सामान जाने नहीं देगा, ये लंबे रस्ते का पॉइंट है। इसलिए वो चाहता है कि ना जाए और हम चाहता है कि वही रहे जहां पे था, क्योंकि एलएसी जो है तो बिल्कुल रिजाइन के ऊपर अभी आज की रिपोर्ट थी वो कह रहा है पूरी गलवान वैली को क्लेम कर रहा है। अगर पूरी गलवान वैली को क्लेम करता है तो वो श्योक रिवर में आगे बैठ जाएगा। तो ये जो एलएसी की जो स्थिति है, एलएसी की जो मान्यता है, इसको बदलना, इसके स्टेटस को बदलना, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है हम ना हो। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर इस विषय पर राजनीति करना क्या उचित है।
राजौरिया साहब, क्या देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए और देश की सुरक्षा के लिए क्या एकजुटता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है? क्या नहीं लगता कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक स्वर में बोलने की जरूरत है? मैडम, निश्चित रूप से सबसे बड़ा तो देश की अखंडता और संप्रभुता है, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, पूरे देश में विश्वास व्यक्त किया और हर चीज पे बहुत ही जिम्मेदारी से निगरानी और अपनी जिम्मेदारी से जो भी कार्य करने हैं, सुरक्षा की दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से, उन सबको निभा रहे हैं। ऐसे वक्त में पूरे देश को, न सिर्फ सभी राजनीतिक पार्टियों को बल्कि पूरे देश के प्रत्येक नागरिक को इस संकट के समय में एकजुट होकर पूरे विश्व को और चाइना को ये मैसेज देना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र है, स्वतंत्र लोकतंत्र है, इसमें हमारे विचारों को व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। लेकिन अगर हमारे देश पे कोई भी आक्रमण करेगा, यदि हमारे देश की संप्रभुता को खतरा होगा, तो हमारा देश का प्रत्येक नागरिक उसमें एक साथ खड़ा होगा और प्रत्येक राजनीतिक दल भी एक साथ खड़ा होगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ऐसे समय में भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के जो ट्वीट बार बार और जो उनके नेताओं के साथ अन्य ट्वीट है, इस देश की जनता को कहीं ना कहीं भ्रम में डालते हैं। इस देश के नेतृत्व के प्रति आज उनको भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा रखना चाहिए। अगर उनकी कोई बात है तो उनको बाद में ये बात बोलनी चाहिए, अकेले में मिलके बोलनी चाहिए कि ऐसी क्या चीजें हैं। तो मुझे लगता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी उपस्थिति को ये बताने के लिए कि हम देश के प्रति ज्यादा जिम्मेदार हैं और कांग्रेस पार्टी ज्यादा जिम्मेदार है। मैं मैडम अभी पूरा देश देख रहा हूँ, देश के साथ में चाइना और पूरा विश्व देख रहा है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो मैं बहुत सारे इतिहास की ऐसी चीजें आपके सामने ला सकता हूँ कि जिससे अब पता चलेगा कि देश की आजादी से बाद में लेके और 6 साल पहले तक कांग्रेस के जिम्मेदार सरकारों ने क्या क्या काम किया। अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाती होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। पाकिस्तान की सीमाओं को जिस तरीके से डिमार्केशन किया गया है, इसी प्रकार से चाइना की सीमाओं को, वहां रोड्स बनाने का काम था, सड़कें बनाने का काम था, पुलिया बनाने का काम था। मैंने खुद ने मैडम सैटेलाइट से नक्शे देखे कि भारत और चाइना की जो सीमाएं हैं, एक तरफ आप सैटेलाइट से देखिए कि चाइना की तरफ कितना जबरदस्त डेवलपमेंट है, वहां पे सड़कें हैं, पुलिया हैं, वहां पे कॉलोनीज बसी हैं, बड़े बड़े गांव और शहर वहां की सीमाओं के किनारे बहुत ही प्लानिंग के तहत बसे गए हैं। एक तरफ सैटेलाइट से आप भारत का क्षेत्र देखिए, ऐसा लगता है कि भारत में हमारी पूर्व सरकारों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसको एक बंजर जमीन समझकर और इसको एक बिना उपजाऊ जमीन समझकर छोड़ दिया, तब इस पर गंभीरता से ध्यान ही नहीं दिया। उसी का दुष्परिणाम रहा कि चाइना की नजरें हमेशा हमारे ऊपर कुदृष्टि रही और धोखेबाजी का इतिहास रहा। और 1962 में उन्होंने जो लद्दाख ऑक्यूपाइड जो चाइना है उस पर कब्जा किया और उसकी एक जो जगह है जो गलवान घाटी है मैडम, आज उस पर उसकी दृष्टि खराब है, क्योंकि वहां से हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण जो रोड दरबुक शौकर जो शौक और दौलत बैग तक जा रहा है, इस रोड का निर्माण जब भारत ने शुरू किया तो उनको पेट में दर्द हो रहा है मैडम। और आप देखिए भारत ने जो काम किया, डॉक्टर राजौरिया जी, जैसे आपने आपने कहा कि कांग्रेस को बड़ा अटैक किया, आपने हमारे साथ कांग्रेस वाला कोई है नहीं, बट आई विल प्ले डेविल्स एडवोकेट। पॉलिटिक्स होती रहती है, जब आप अपोजिशन में थे आप भी करते थे। मैं आपको किसी अभी मैंने कहीं पढ़ा, मैंने कहीं देखा वापस 2013 में जब दौलत ओल्ड बेग गेली DBO का हुआ था, बेग ओल्डी का इंसिडेंट हुआ था, ट्रांसग्रेशन, तब आज के प्रधानमंत्री तब मोदी जी, उनका एक ट्वीट आया था, उसमें ये लिखा था कि चाइनीज़ जो ट्रूप्स है हमारे यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं और हमारी सरकार सो रही है। राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि हमारी सरकार सो रही है, तो आप क्या कहते हैं? सर बिल्कुल अजय साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी सरकार सो नहीं रही है, बड़ी जिम्मेदारी से, एक जागरूकता से। और मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, जब आप अपोजिशन में था आप बोलते हैं, जब कांग्रेस अभी अपोजिशन में वो बोलते हैं। देखिए देखिए, आप अगर सिर्फ ये कहते हैं कि सरकार सो रही है तो कोई आपको आपत्ति नहीं होती। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स की बात, ऑन द इशू ऑफ पॉलिटिक्स, शुड पॉलिटिक्स बी डन। मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ कि राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ऐसा ट्वीट किया कि सरकार सो रही है। आप दोनों की वास्तविक परिस्थितियों का निश्चित निष्पक्ष आकलन कीजिए कि क्या वास्तव में आज आप कह सकते हैं कि आज सरकार सो रही है। अपने दिल पे हाथ रखे देखिए, देश की प्रत्येक जनता, इवन प्रत्येक भारतवासी जो दुनिया के किसी भी कोने में आज रह रहा है या रह रहा था, उससे आप पूछिए कि उसको कितनी सुरक्षा महसूस। आज देश की सरकार सो नहीं रही है, 24 घंटे
सरकार चिंतित है, 24 घंटे इसके उपाय कर रही है, चाहे कूटनीतिक हो, चाहे सैन्य हो, चाहे राजनीतिक हो और चाहे सामाजिक हो। इसलिए सोना शब्द भी मैं सोचता हूँ कि ये छोटी चीज है आज की परिस्थितियों में। हाँ, उस वक्त की परिस्थितियां निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसी होंगी और कि उस कारण श्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसा बोलना पड़ा, और अगर वो सोती नहीं रहती तो आज ये नौबत नहीं आती। इसलिए परिस्थितियां बदली है, आज सरकार सो नहीं रही है, आज सरकार जागरूक है। अच्छा ठीक है, डॉक्टर बोरा से, डॉक्टर बोरा जी आपसे पूछेंगे, जैसे अभी रजौरिया जी कह रहे थे कि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हुआ है, तो हमारे यहाँ जो एक पॉलिसी थी फॉर ईयर्स मे बी डिकेड्स दिल्ली स्टडी ग्रुप की और वट एवर दैट पॉलिसी वॉज कि वी शुड नॉट बिल्ड रोड्स, कि अगर रोड अच्छे बनाएंगे टुवर्ड्स एल ए सी तो चाइनीज विल जस्ट कम इन टू आवर साइड। तो बट दैट आई थिंक दैट पॉलिसी हैड चेंज आफ्टर 2002 और समथिंग। तो हाउ डू यू सी दैट पॉलिसी, जो रिग्रेसिव पॉलिसी थी कि भाई आप रोड मत बनाइए एल ए सी के पास क्योंकि वो चाइनीज, तो इट्स ईजियर फॉर देम टू कम इन, ऐसे ऐसे रख लीजिए। That's a very good question. सबसे पहले आई वॉन्ट टू थैंक द बीजेपी एमपी साहब, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से बताया है कि जो डॉक्टर जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि वहाँ स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का ये मतलब नहीं है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई है। एंड आई हैव टोटल रिस्पेक्ट फॉर लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो हमारे साथ मौजूद है, जो प्रोफेशनल सोल्जर। सर यू डू नो कि जब पेट्रोलिंग होती है शोल्डर टू शोल्डर कई बार धक्का मुक्की होती है एक्सेट्रा, दैट स्ट्रक्चर इज नो लॉन्गर देयर। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अब वो नहीं है हमारी जगह पर, कुछ कैप्चर नहीं किया, वी शुड बिलीव इट। आपने जो बताया पॉलिसी ऑफ नॉट बिल्डिंग रोड, सर अ पॉलिसी इज नेवर स्टैटिक, डिप्लोमेसी में हमें ये सिखाया जाता है। जब आपकी ताकत नहीं है उस समय, 1962 का ट्रॉमा हमारे साथ है। लुक, आई लॉस्ट फैमिली इन 1962, जनरल सर ही वाज कमांडिंग फर्स्ट चीफ, वी लॉस्ट देम इन कमिंग डिस्ट्रिक्ट, आई अंडरस्टैंड इट, हमारे पास ताकत नहीं थी। टुडे वी आर इन अ पोजिशन वेयर वी हैव चेंज्ड आवर perception and said we will now play on the border. There is nothing wrong with this concept. As a professional diplomat, if your policies evolve over a period of time, we should not be upset about it, we should not be surprised. ये बदलती रहती है, जैसे आपकी आर्थिक ताकत बढ़ती है, मिलिट्री ताकत बढ़ती है, आपका पॉस्चर भी बदलता है, इंटरनेशनल रिस्पेक्ट आपका बढ़ता जाता है, और आपकी जो असर्टिव थिंग है इन डिप्लोमेसी नॉट मिलिटरी वो भी बदल। So I think there is no contradiction involved here. अगर हमने अब फैसला किया है कि हम सड़कें बनाएंगे, जो सही फैसला है, we will take it right up to the border, ताकि कोई भी 1962 की तरह कोशिश करेगा दोबारा, it will not be the India of 1962, ये होगा India of 1967. Why I highlighted this is because उसकी वजह से we lag behind China, because China took a march ahead of us. You know, I can answer that question by saying they lag behind us in information technology. ये तो ना यहाँ की बात हुई ना वहाँ की। I mean, in manufacture of two wheelers, we are way ahead of them. We've thrown them out of China as far as. No, I'm talking from the strategic. I'm talking about the, no, from the strategic point of view. I understand this, sir. But you know, IT is not strategic. No, IT is totally strategic in today's world. My response to you, sir, I with due respect, your strategic perceptions भी आपके बदलते हैं. हम लोगों की भी बदलती रही है, विद नेपाल, विद भूटान, विद चाइना, विद पाकिस्तान, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इवॉल्व करता है, कीपिंग इन माइंड प्रेजेंट रियलिटीज। कहते हैं ना, देर आर नो परमानेंट रियलिटीज, यू लुक एट टुडे, टुडेज रियलिटी नीड नॉट बी टुमारोज रियलिटी। तो अब स्ट्रेटेजिक परसेप्शन हमारा ये है कि वी हैव टू हैव अ फॉरवर्ड पोस्चर, हमारे लोग ऐसी स्थिति में भारत हो कि अगर कभी भी आक्रमण हो या ऐसे हालात हो विच रिक्वायर्स इंटरवेंशन, the army can move very quickly. General Saab, may I say something to you with your gracious permission? 1974 mein General Saab, my name is Ambassador Deepak Bora. 1974 mein sir, main le gaya tha with my entire batch of 19 people and we trekked to Daulat Bay Goji, 1974. Shahid Kaul Saab ka janam nahi hua tha us samay. So humne jo trek kiya tha, going there and coming back, took us 9 days going sir and 9 days coming. आज आप देख लीजिए कि 9 दिन नहीं लगते हैं फ्रॉम ले टू गो टू डीबीओ, अब तो सड़कें बन गई। अभी हमने सही किया है कि नहीं किया है, कौन सा इसका तो जवाब आप खुद दे सकते हैं। नहीं, अच्छा किया, आई एम ऑल फॉर इट, बट आई एम सेइंग कि दैट इट शुड हैव बीन एडवांस्ड, इट शुड हैव बीन डन अर्लियर। बट यू नो अगेन देयर इज अ परसेप्शन अबाउट व्हेन यू आर एबल टू डू इट। 1969 में कौन सा जनरल साहब
बीजेपी के सांसद साहब जो यहाँ बैठे हैं, 69वें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस में आपको बुलाया गया, जब आप वहां पहुंचे आपको बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया, वी वर नॉट अलाउड टू अटेंड। 50 इयर्स लेटर 50th एनिवर्सरी ऑफ द ओआईसी, गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है? भारत। तो परसेप्शन इंडिया सबकी बदलती है, और ये कहना कि हमको 47 से शुरू कर देना चाहिए, यू नो क्षमा करेंगे कौन साहब, हमारी आंखें सामने होती है, पीछे नहीं होती है। Everybody with the benefit of hindsight, उसकी vision 2020 होती है। Certain decisions are made rightly or wrongly, but we stay with those. नहीं, इसमें भी international relations हो रहा है। इसमें भी ये जो strategy, ये जो strategy change हुई only after Kargil. At that time we thought ki we should also build infrastructure. I would let General Saab answer that. So I will ask the same question. General Saab, आपको भी यही सवाल यही है कि जो ये for decades ये या जो पॉलिसी थी कि नॉट टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग द एलएसी, तो आप हाउ डू यू सी दैट? देखिए, ऐसे है कि एम्बेसडर वोरा ने बड़ा एक अच्छा ये पॉइंट दिया है, डिप्लोमेसी तो मेरी सोल्जर से दूर रहती है, वो बिल्कुल अलग बीच है। लेकिन मैं ये करना चाहूंगा कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना के बॉर्डर के नजदीक जाते हैं, एलएसी के नजदीक या आईबी के नजदीक, तो जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसको वहां से जहां तक लेके गए हैं उसकी सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए उतनी वहां फोर्स बिल्डअप भी करनी पड़ी, और यही वजह थी कि जब तक हमारे पास उतनी फोर्स बिल्डअप ना हो तब तक हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे लेके कैसे जाए। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी सुधर रही है, हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ रही है, तो दर्ज के चलते हम अपनी डोमिनेशन आगे तक ले जा रहे हैं। लेकिन इसमें दो बातों को ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जो बॉर्डर एरिया की डेवलपमेंट है वो वहां के लोगों पर डिपेंड करती है। हमारी एक कमजोरी ये रही है कि अगर आप लद्दाख में देखें, चाहे एसपी पे भी देखें, जो पॉपुलेशन है बॉर्डर एरिया की उसको हम पीछे खींच लेते हैं। उनके पीछे आने से एक तरह से देयर इज एन इंटेलिजेंस वॉइड इन दैट एरिया, वो एक कमजोरी रही है हमारी। और दूसरा, अभी देखिए आप जो हमारे नेबर्स को लेकर के हमारी सोच बड़ी नैरो रही है, बहुत संकीर्ण रही है। आप नेपाल को लीजिए, उसकी अभी की जो पार्टी है वो हमें आंखें दिखा रही है ये खुले साथ के लिए, और मुझे यकीन है कि अभी चाइना की नजर भूटान पे, अगर उसका प्रभाव नेपाल और भूटान में बढ़ेगा तो आप ये जान लीजिए कि नेपाल और भूटान के बीच में एक तरफ सिक्किम है, सिक्किम में हमारी पोजीशन दबाव में आ जाएगी, और जो भूटान के पूर्व में तवांग है वो भी दबाव में आ जाएगा, क्योंकि जो प्लान है वो चाइना को मिल जाता है। और वैसे ही जो अभी की बातचीत चल रही है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया अभी थोड़ी देर पहले, आंखें हमें सामने दी जाती है इसलिए कि हम दूर का देखें, पीछे देख के ना चले, इसलिए पीछे क्या हुआ भूल जाए, आगे क्या होगा उसको देखें। और वही सोचते हुए वही लेते हुए मेरा ये मानना है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां तक जब आए हैं चाइना, वहां तक आया है डीएमए, हम ये ना कह दें कि हमारे जमीन से नहीं आए, ऐसा कहने से एलएसी का स्टेटस बदल जाता है और आने वाले समय में इस एलएसी को वो और भी आगे खिसका के लिए जाए, क्योंकि उसका यहाँ इंटरेस्ट है। अच्छा जनरल साहब एक सवाल और आ रहा है मेरे दिमाग में। चाइना हमेशा मोस्टली एग्रेसिव रहा है अरुणाचल के ऊपर, अरुणाचल सेक्टर में, कि अरुणाचल हमारा है एंड ऑल दैट, बट देखा गया है कि अरुणाचल पे वो वहाँ पे इतना एग्रेसिव नहीं है मिलिटरीली। इट हैज बीन एग्रेसिव इन लद्दाख सेक्टर मेनली, या डोकलाम बीच में देखा था। तो हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? बहुत बड़ी वजह है, सबसे बड़ी वजह ये है, 1963 में पाकिस्तान ने चीन को 5,100 किलोमीटर सक्षम वैली का एरिया दे दिया, और तुरंत उसके साउथ में आकर के, दक्षिण में आकर के, चारागुड़ा पास। अब
काराकोरम पास जो डीपीओ है हमारा कॉम्पोजिट में, वहां से खाली 8 किलोमीटर की दूरी पर, और जो श्याटिन ग्लेशियर है वहां पे जो लाइन लगाई गई थी NJ 9842 पे आके रुक जाती है, उसके आगे सर्वे हुआ ही नहीं था, आज तक नहीं हुआ। तो चाइना ने ये सोचा है, 1950 से बोलता आया है कि उसकी बाउंड्री लद्दाख में भारत के साथ है ही नहीं। अब यही सोच आज तक को लेके चल रहा है। तो अगर हम ये LAC को अगर आने देंगे, यहां तक LAC का स्टेटस बदल देंगे, आने वाले समय में ये हो सकता है और ये होगा। ये जो है सियाचिन की तरफ चाइना पाकिस्तान की साथ साथ यही क्या हो सकती है और कहीं नहीं होगी। इसीलिए उसका पहला फोकस इधर है। हमें मालूम है कि उसकी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें उसने $62 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। वहां से उसको कराची पोर्ट और पोर्ट का बॉर्डर आराम से पहुंच जाता है। बलाका स्टेट से उसको 28 दिन लगते हैं, जहां से उसको 3 दिन लगते हैं। ये जो स्ट्रेटजिक पॉइंट है, ये जो चीन ने अपना एक बहुत ही सोची समझी रणनीति बना करके स्ट्रेटजिक तरीके से जो हमें यहां से लद्दाख से हटाने की जो कोशिश है उसकी, इसको अगर हम अभी नहीं रोकेंगे, आने वाली जनरेशन, आने वाले समय में जितना भी रिपोर्ट हम लगाएंगे उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। सारा मेरा पॉइंट वहीं पे फोकस जी। डॉक्टर वोरा, डॉक्टर वोरा जी, जी जी सुन रहा हूँ। अच्छा, ये जो बातें हो रही अभी भी, स्टिल नाउ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, व्हाट हैपेंस टू दैट नाउ, दैट एग्रीमेंट ऑन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी? कुछ नहीं है। योर गेस इज एज गुड एज माइन। जो एग्रीमेंट ऑन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की थी, उसको चाइनीज ने वायलेट किया है। जब दोनों में से एक साइड वायलेट करती है, तो इस एग्रीमेंट के मायने उतने हद तक कम हो जाते हैं, और उसकी जगह में अब क्या आएगा, दैट विल हैव टू बी सीन। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, कौलता जो कारगिल का बार बार हम लोग जिक्र करते हैं, इट वॉज कन्वेंशन, हम लोग नीचे आते थे, वो लोग नीचे जाते थे, नोबडी इंटरफियर्ड विद दैट, इट हैव बीन गोइंग ऑन फॉर सेवरल इयर्स। फिर एकदम से जब हम लोग वकील के वहां की पोजिशन थे, दैट टॉट अस अ लेसन दैट यू कैन नॉट ट्रस्ट अ पर्सन एट ऑल ऑन दैट। और इस बार जो किया गया है कि एनी नंबर ऑफ अग्रीमेंट, दे डोंट केयर। हांगकांग इज एन एग्जाम्पल, दे डोंट केयर। देयर इज एन अग्रीमेंट कितनी देर के बाद हांगकांग का ये होना था, दे डोंट केयर। जापान के साथ, वियतनाम के साथ, दे डोंट केयर अबाउट द अग्रीमेंट दैट हैज रीच्ड। आई बिलीव दैट इज माई टेक अवे, एंड आई वुड लाइक टू थैंक द प्रेजेंट गवर्नमेंट टू बीजेपी के जो सांसद है, दिस स्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम इंडिया, दैट आप लोगों ने ये जो फॉरवर्ड कर किया है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द बॉर्डर एरियाज, एनेबलिंग द मिलिट्री टू मूव at short notice and at high speed, I think that is what was required. And it's an idea whose time has come. Victor Hugo ne kaha tha na, no power on earth can stop an idea whose time has come. Iska idea aa chuka hai. Strengthen the border defenses, strengthen your diplomatic outreach, strengthen your economic capability. Aur ye teeno cheeze inki sarkar kar rahi hai. How can we find fault with that? I don't understand. Politics aside, jo ye kar rahe hai, it seems to be what any leadership in any country should. तो रजौरिया, डॉक्टर रजौरिया से पूछ लेते हैं अब कि इस जो हुआ बिट्रेयल हुआ है चाइना। आई डोंट नो डॉक्टर रजौरिया सर, माफ करना, आई वाज जस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग यू ऑन द वे यू हैंडल्ड। ही इज द एमपी, ही इज एमपी, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है डॉक्टर रजौरिया। तो डॉक्टर जी बोलिए, कुल साहब क्या बात? नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो चाइना ने बिट्रेयल किया, उसके बाद चाइना को ट्रस्ट करना, क्योंकि हमने देखा कि अहमदाबाद मलप्पुरम गए थे, प्रधानमंत्री को पूरा घुमाए थे, पहले गुजरात ले गए थे, पूरा इतना इतना स्वागत, इतना बढ़िया स्वागत किया मोदी जी ने, अब इसके बाद क्या ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं? देखिए, आप अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में या हमारे देश के परिदृश्य में सोचेंगे, आप चाहे ट्रस्ट करें या नहीं करें, आपकी मजबूरी है कि जो देश आपके पड़ोसी हैं वो हमेशा पड़ोसी रहेंगे। अब आपके साथ, इनके साथ कैसे जीवन भर उलझते रहना है, युद्ध करना है, लड़ाई करनी है, या अपनी सुरक्षा करते हुए आपको आर्थिक उन्नति करनी है, दोनों काम करने होंगे। विश्वास करना है नहीं करना, ये इनके इतिहास से सीखना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने दोनों चीजों का उपयोग किया, उन्होंने इनके इतिहास को भी जाना है कि किस तरीके से चीन के करैक्टर में विश्वास कर दिलाना और फिर उसके साथ धोखा करना, ये उनके करैक्टर में है।
लेकिन फिर भी बड़ा दिल रख के उनका ये फर्ज था जो उन्होंने निभाया, चाहे वो चाइना के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, या हमारे पड़ोसी देश नेपाल हो, या भूटान हो, या बांग्लादेश हो, सभी को उन्होंने सम्मान किया, सबके साथ अच्छे रिश्ते निभाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने उसको कितना निभाया, उनके विश्वास को पूरा किया, भारत की जनता के विश्वास को पूरा किया या छल कपट किया, ये उनके करेक्टर पे है। और मैं सोचता हूँ कि आगे भी हमको एक दिशा की तरफ चलना पड़ेगा, हम चाहे चाइना का विश्वास करें या नहीं करें, लेकिन वो हमारा पड़ोसी है और उस पड़ोसी के साथ आगे भी हमको बातचीत के रास्ते खुले रखने चाहिए। और साथ में ही एक चीज और रखिए, अपना स्टैंड इतना मजबूत कर लीजिए कि वो हमारे पे एक तरफा कभी भी हावी नहीं हो। और उसका दो रास्ते हैं, आप अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाइए, आप अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ाइए, आप अपना मनोबल बढ़ाइए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी क्षमता बढ़ाइए और आपका स्वाभिमान बढ़ाइए। और मैं सोचता हूँ कि पिछले 6 साल के अंदर इन सब दिशाओं में बहुत जबरदस्त काम हुआ है, उसी के कारण चाइना को बौखलाहट हुई है कि क्या वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता चाइना कि एशिया में उसके अलावा कोई भी महाशक्ति या कोई शक्ति बने। और भारत जिस प्रकार से 6 सालों में आप देखिए आर्थिक शक्ति बन रहा है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ भारत जा रहा है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय जो जगत में छवि बनी है, भारत आज अपनी सीमाओं को सिक्योर कर रहा है, अपनी सेनाओं को संबल दे रहा है, सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरी कर रहा है, और भारत की उस उभरते हुए स्वरूप को देखते हुए चाइना को कहीं ना कहीं तकलीफ है। मैं सोचता हूँ उसको हमको दोनों तीनों स्तर पर बात चलनी चाहिए, राजनीतिक स्तर पर भी उससे बातचीत जारी रहनी चाहिए, सैन्य स्तर पर भी रहनी चाहिए, शांति की ओर भी हमको अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन अगर अपनी बात पर आ जाए, अगर हमारी सीमाओं की कोई सुरक्षा की और स्वाभिमान की बात हो, तो स्वाभिमान से, हक से और जिम्मेदारी से जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उसके ऊपर हमको कायम रहना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि पूरे देश को आज प्रधानमंत्री पर भरोसा आना चाहिए कि उन्होंने कहा कि हमारे देश के 1 इंच भी जमीन कोई नहीं ले सकता, और साथ में ही हमको व्यापार को भी आगे ले जाना है। और जो उन्होंने एक बहुत अच्छा नारा दिया सर कौल साहब, मैं आपको कहूंगा आपके माध्यम से पूरे देश को ये संदेश जाना चाहिए आप कि हमारा लोकल फॉर वोकल, कि लोकल को हम वोकल बनाए, उसको अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाए। और आज हमारी जो देश की जो कंपनियां हैं वो कैसे उन्नति हो, आज भी हम आप ये देखिए कि $75 अरब का व्यापार हमने पिछले 2019 में आयात किया था चाइना से, और सिर्फ $18 का हमने निर्यात किया। ये आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है कौल साहब। अभी जो हमारे सीनियर एनालिस्ट श्री बोरा साहब बोल रहे थे, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ, आज उन्होंने जो बात कही बहुत निष्पक्ष और सच्चाई से बोली, मैं उनको सम्मान करता हूँ। अगर यही सोच पूरे देश में हो तो हमारा देश को उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता, हमको आर्थिक मोर्चे पे बढ़ना पड़ेगा। और देश की जनता ने जिस तरीके से इनका चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार का मन बना लिया है, चाइना को कहीं नहीं उससे भी बौखलाहट है। जनरल आप ये देखिए कि जनरल राय से आखिरी सवाल जनरल राय से पूछ लेते हैं जी। जनरल राय, अभी क्या नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट शुड बी नेक्स्ट स्टेप आफ्टर ऑल दिस ब्लडी थिंग? नेशनल कॉम्प्लीमेंट्री पावर को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। ये तो हम जहां तक पड़ोसी देशों की बात है, हर देश अपने इंटरेस्ट की बात करेगा, अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएगा। इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते कि किसको ट्रस्ट करना है, ये किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो ट्रस्ट वाली बात नहीं है। यहाँ आवश्यकता ये है कि हमें अपने पड़ोसी देशों को, खासकर चाइना को, इस तरह से समझना चाहिए। उस तरह से अभी उसके समझने में बहुत कमजोरी, मैं भी चीन में तकरीबन 4 बार गया हूँ, कई बार उनके इन्विटेशन पे गया हूँ वहां बोलने के लिए, और हर बार मैं यही लेसन लेके आया हूँ कि वो लोग बहुत ही शूड है, बहुत दूर की सोचते हैं, बड़ी सोच रखते हैं, और वो उस सोच को पूरा करने के लिए बिल्कुल फोकस तरीके से उस तरफ बढ़ते हैं। तो अवश्य उस बात की आवश्यकता, और दूसरी बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि नेशनल कॉम्प्लीमेंट्री पावर को बढ़ाने के लिए हमारे देश के अंदर एक बहुत ही कोहेसिव एनवायरमेंट की आवश्यकता है। कोहेसिव एनवायरमेंट का मतलब होता है सोशल कोहेशन, और सोशल कोहेशन बात से आता है कि जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन है उसको एक बहुत ही विश्वासी रूप से चलाया जाए, एक उसको प्लान करके चलाया जाए, ताकि जो इंफॉर्मेशन पब्लिक को दी जा रही है उसमें पब्लिक के जोर जोर के इंटरप्रिटेशन करने की कोई गुंजाइश ना, अगर वो गुंजाइश होगी तो हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ा देश है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, अगर उसके जोर जोर के इंफॉर्मेशन को
मीटर तक करने की गुजारिश होगी तो उसका लोग अंदर वाले फायदा उठाए। इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से बिल्कुल क्लैरिटी के साथ और प्लान तरीके से करना पड़ेगा, बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से और स्पष्टता के साथ चलने की यहाँ पर जरूरत है और जाहिर तौर पे यहाँ पर फूक फूक कर कदम रखने की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार। रिकॉर्ड कर ले रहे और इसी के साथ स्पेशल एडिशन में इतना ही, नमस्कार। और इसी के साथ स्पेशल एडिशन में इतना ही, नमस्कार।